वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पूजा। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ समर की कुछ और सीरीज। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ समर के कुछ हैक्स और कुछ टिप्स जो कि आपको यूजफुल होगा इन दिस समर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड उससे पहले लेट मी टेल यू कि इसमें होंगे कुछ हैक, कुछ लेजी हैक्स भी। समर में सब हो जाते हैं लेजी। ऐसा नहीं है कि विंटर में लेजी नहीं होते, बट समर में आलस इतना ज्यादा आता है कि ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, मुझसे ये सब नहीं होने वाला यार, ये सारे थॉट्स तो आते रहते हैं। तो इसके लिए लेकर आई हूँ मैं कुछ हैक्स और कुछ टिप्स विच विल बी यूजफुल दिस समर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सबसे पहला चीज जो समर में होता है, आपको रहना होता है हाइड्रेटेड। एंड हाइड्रेशन के लिए आपको पीना होता है ज्यादा से ज्यादा पानी, यानी आपको पीना होता है कम से कम 3 से 4 बॉटल पानी एक दिन के अंदर, जिससे आपको मिलेगा हाइड्रेशन, आपकी बॉडी होगी काफी एनर्जेटिक। तो डोंट स्किप वाटर इन द समर। खाली पानी पीने से ही आपकी स्किन ग्लोइंग करने लग जाती है, तो पानी पीना तो बिल्कुल ना भी भूलें। पानी कभी भी खड़े खड़े नहीं पीना है, पानी हमेशा बैठ कर पीना है। इससे क्या होता है, आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। अगर आप खड़े होकर पानी पियोगे तो घुटने में दर्द जरूर होगा। एंड हाँ, लेमन वाटर ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करें इन दिस समर। अब समर में क्या होता है, हमको हम इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि हम अपना फेस इतने बार धोते हैं कि ये सोचकर कि हमें पिंपल्स नहीं होगा। लेकिन ये जो आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल गलत है। आपको पता है आपके फेस को ज्यादा वॉश करने से पिंपल्स जल्दी आता है, बिकॉज आपका फेस हो जाता है एकदम ऑयली सा बार बार वॉश करने से, एंड उससे निकल आते हैं ये बदमाश पिंपल्स। तो इसके लिए आप सिर्फ 2 बार फेस वॉश करें दिन में, 1 बार सुबह 1 बार नाइट, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, यू कैन यूज एनी वेट वाइप्स, लाइक मैं यहाँ पे यूज कर रही थी एलोवेरा का, ये रूपमंत्रा का वेट वाइप, उसको करना है आपको वाइप, एंड दैट्स इट, यू आर गॉन एंड यू आर डन। एंड हाँ, सनस्क्रीन रीअप्लाई करना बिल्कुल ना भूले। विद इन 4 to 5 hours सनस्क्रीन को एक बार रीअप्लाई जरूर करें, ताकि ये आपको इस समर सन से प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट, अब हमको समर में बॉडी लोशन तो चाहिए होता है ताकि हमारे हैंड्स हो जाए एकदम हाइड्रेटेड, लेकिन बॉडी लोशन ज्यादा हाई वेट का भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए तो है यहाँ पे वाव का बॉडी लोशन, वो काफी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है आपकी बॉडी को, एंड साथ ही साथ एकदम लाइट वेट है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो भैया, हम कहीं पर भी बाहर जाए, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको रखना है एक वाटर बॉटल फिल्ड विद वाटर इन द समर एंड आपके बैग के अंदर। अब आपके बैग के अंदर आपको बॉटल क्यों रखना है, देखो कभी भी हमको प्यास लग सकती है, धूप में हम जाते हैं, धूप हमारी सारी एनर्जी लेकर जाता है, तो हम हो जाते हैं एकदम डिहाइड्रेटेड से, चक्कर आने लग जाते हैं, सिर दुखने लग जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है वाटर। सो पानी पीजिए, लेकिन हाँ एक बात याद रखना,
पानी इमीडिएटली धूप से निकलकर, मतलब धूप से आकर इमीडिएटली पानी नहीं पीना है, उससे हो जाएगी आपको जुखाम। तो पानी इमीडिएटली ना पिए, 5-10 मिनट रेस्ट करें एंड उसके बाद पानी पिए। इमीडिएटली पानी पियोगे तो खांसने लग जाओगे। नेक्स्ट, अब आपका फेस हो जाएगा टैन अगर आप जाओगे इस धूप में, तो इसके लिए आपको हमेशा अपना फेस कवर करके जाना है। ये खाली आपको धूप से नहीं बचाएगा, ये आपको बचाएगा बाहर की पॉल्यूशन, बाहर की डस्ट से, जिससे होते हैं आपको पिंपल। सो सबका सॉल्यूशन एक ही, स्कार्फ। फेस को तो हमने बचा लिया, फेस तो टैन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे जो ये बीजान से हाथ हैं वो टैन हो जाते हैं, क्योंकि हमको समर्स में ही फुल पहनने की आदत नहीं होती, हमें पहनना होता है एकदम स्लीवलेस, बैकलेस वगैरह वगैरह, और उससे भी तो टैनिंग हो जाती है भैया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहनो आप स्लीवलेस, पहनना है स्लीवलेस पहनो, बैकलेस पहनना है बैकलेस पहनो, लेकिन हाँ जब आप घर से बाहर निकलो मेक श्योर आप फुल स्लीव का क्लॉथ पहनो, लाइक इतना तक तो होना चाहिए, जिससे जो आपके हैंड्स है आर्म्स है वो सब टैन नहीं होंगे। एंड जहां आप जा रहे हो वहां जाके उसको रिमूव कर दो। आई मीन टू से दैट कि आप जो कपड़े पहने हो उसी के ऊपर आपको डालना है फुल स्लीव टी शर्ट, कुर्ती या जो भी चीज हो, लेकिन स्लीव यहां तक होनी चाहिए, तभी तो टैनिंग से बचोगे भैया। फेस को तो हमने टैनिंग से बचा लिया, अब हाथ को भी बचा लिया, लेकिन ये हमारे बेजान से पांव ने क्या किया यार, पांव को भी तो बचाना पड़ेगा। टैन हो जाता है जब हम स्लीपर्स पहन के जाते हैं, क्योंकि धूप की रेस तो वहां पे भी आती है। तो इसके लिए आपको करना होगा क्या, आपको वेयर करने होंगे नॉर्मल शूज। आप अपनी पसंद के शूज पहन सकते हो जो कि आपके लेग्स को कवर कर सके अच्छे से, जिससे आपके पाँव में टैनिंग बिल्कुल नहीं होगी, है ना कमाल की बात। मैं तो हमेशा शूज पहन कर ही बाहर जाती हूँ, चाहे वो कुर्ती हो, जीन्स हो या व्हाटएवर थिंग इट इज, धूप हो तो शूज पहनो ताकि आपको टैनिंग से छुटकारा मिल सके, राइट। सभी को फैशनेबल रहने के लिए हमेशा बाल खुले रखने की तो जरूरत नहीं है, समर में बाल खुले रखेंगे तो पता है क्या होगा, गर्मी लगेगी आपको, अपने ही बाल से प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसी के लिए मैं आपके साथ लेकर आई थी कुछ हेयर केयर टिप्स, जिससे आप अपने बाल को रख सकते हैं एकदम फैशनेबल भी रहेगा, गर्मी से भी छुटकारा मिल जाएगा और इजी स्टाइल से हेयर स्टाइल जो भी मैंने किया है एकदम 2-3 मिनट में बन जाता है, आप सुंदर भी लगोगे। तो ये जो हैक है ना उसको जरूर ट्राई करना।
okay, okay, okay. Next, nail paint लगाना तो सबको पसंद है, लेकिन nail paint उतारना सबसे भारी काम हो जाता है। जब nail paint निकलता नहीं है ना, तब दिमाग खराब हो जाता है हमारा। पहले से हम आलसी है, ऊपर से nail paint निकल नहीं रहा है तो और गुस्सा आता है हमको, लेकिन nail paint तो भाई बदलना है, इसके लिए क्या करें? तो इसी के लिए यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ पील ऑफ nail paints। अब पील ऑफ nail paints आपने कभी सुना है? हमने सुना है पील ऑफ फेस मास्क, जिससे हो जाते हैं आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सब दूर, लेकिन पील ऑफ nail paints ऐसी भी कोई चीज है? जी हाँ, ऐसी एक चीज है जो कि मैंने खरीदा था एक इंस्टाग्राम पेज से। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा कि मैंने कहाँ से खरीदा है। तो मैंने इसको खरीदा है द फ्लिप स्टोर से, एंड उनके पास सारे आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि न्यू लॉन्चेस भी होते हैं, एंड वहीं से मुझे ये मिला पील ऑफ nail paints। अब मैंने आपको बता दिया कि पील ऑफ nail paints कितनी इजीली पील हो जाते हैं आपके हैंड से, आपको कोई रिमूवल की जरूरत नहीं पड़ती। एंड हम टूर पे भी जाते हैं, वहां पे हम कहाँ इतना सारा कैरी करेंगे, nail paint कैरी करना, रिमूवर कैरी करना, उसके साथ कॉटन पैड्स कैरी करना, इतना सब कैरी करने से अच्छा एक छोटा सा nail paint खरीद लो पील ऑफ वाला, आपका बात तो बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। देखो भाई, मैंने पहली बार ट्राई किया है कुछ समर के हैक्स जो कि मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको फॉलो करें एंड देखें कि आपकी स्किन कैसे रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस टाइप के हैक्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द स्मॉल बेल आइकॉन राइट देयर सो दैट यू वोंट मिस एनी न्यू वीडियोस फ्रॉम माय साइड। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर एंड टाटा बाय, स्टे हेल्दी दिस समर।